हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अष्टमी और नवमी पर बनाए जाने वाले सूखे काले चने की रेसिपी, और साथ ही में हम बनाएंगे सूजी का हलवा। और इसे हम बहुत ही जल्दी और झटपट से बना के तैयार कर लेंगे, और साथ ही में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सूखे काले चने बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 1 कप काले चने, जिसे देसी चने भी बोला जाता है। इनको मैंने रात भर के लिए भिगोने रख दिया था। ये देखिए, इस तरह से ये फूल गए हैं। अब हम इसका ये पानी निकाल देंगे जो रात भर से भिगोया हुआ रखा था, और इसको 2-3 बार साफ पानी से और धो लेंगे। चनों को धोने के बाद में इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और साथ ही में इसमें डाल देंगे हम 1.5 गिलास के करीब पानी। पानी बस उतना ही डालना है कि चने अच्छे तरीके से भीग जाएं। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक इस टाइम पर डालने से चने के अंदर तक नमक चला जाएगा और चने और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मिक्स कर देंगे इसको, और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको 3 सीटी आने तक पका लेंगे, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है। तो देखिए, 3 सीटी आ चुकी हैं। अब इसका प्रेशर अपने आप ही ख़त्म होने देना है, इसकी सीटी हमें नहीं निकालनी है। तो ये देखिए, कुकर का प्रेशर अपने आप ख़त्म हो गया है। इसको खोल लेते हैं और चनों को चेक करते हैं। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट चने हमको उबालने हैं। अगर इस टाइम पर आपको हार्ड लग रहे हो तो 1-2 सीटी आप और लगा सकते हैं। अब इसको यहाँ पर मैंने चलनी में डाल करके इसका पानी अलग कर लिया है, और यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हैं, उसमें और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो तेल के गर्म होते ही इसके अंदर मैं थोड़ी सी बिल्कुल हींग डाल रही हूँ, और साथ ही मैं 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरा। तो जीरा को अच्छी तरह से तड़क जाने देंगे, और अब इसी टाइम पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 छोटी चम्मच के करीब कसूरी मेथी। अगर आपके पास ये हो तो आप डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर चने का पानी डाल देंगे थोड़ा सा। इसको डालने के बाद में मसालों को हल्का सा भून लेंगे। ऐसा करने से मसाले जलेंगे नहीं, और अच्छे से मसालों का फ्लेवर पूरे चने में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2-3 चम्मच के करीब वो चने का पानी जो निकला था वही यूज़ कर लें। मसाले हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए, यानी कि मसाले जब तक तेल ना छोड़ दें। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से मसाले हमारे भून रहे हैं, और वो भी बिना जले। अगर हम ड्राई ही मसालों को तेल में भूनेंगे तो वो जल जाते हैं, और उससे टेस्ट भी ख़राब आएगा। बस ये देखिए, इस तरह से ये तेल सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है। इसी टाइम पर हम इसके अंदर चने डाल देंगे उबाले हुए, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। बट अष्टमी नवमी पर प्रसाद में बनाया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, कन्याओं को दिया जाता है, तो बच्चों की वजह से इसके अंदर मैंने हरी मिर्च अवॉइड करी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है, तो ध्यान से डालें। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो वैसे तो चने पके हुए हैं, बट हम इसको फिर भी कवर कर देंगे जिससे कि मसाले बिल्कुल चने के अंदर तक चले जाएं। तो इसको कवर करके हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद ये हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। बस इसके ऊपर अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए, और ये चने हमारे तैयार है। लग रहे हैं ना कितने टेस्टी? तो चलिए अब फटाफट से हम हलवा भी बना लेते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है। देखिए, घी आपको मेल्ट करके लेना चाहिए। किसी भी रेसिपी में जो घी की क्वांटिटी बताई जाती है वो पिघली हुई ही होनी चाहिए, क्योंकि जब घी जमा हुआ होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, बट दिखने में थोड़ा कम लगता है, और उसके बाद में जब हम उसको पिघलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने पिघला हुआ घी लिया है। घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी, नॉर्मल वाली सूजी है, और इसको अब लगातार चलाते हुए हमें बढ़िया तरीके से भूनना है। देखिए, इस टाइम पर जब हम सूजी डालेंगे तो ये सूजी पूरा घी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरा घी पी लेगी, और जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे ये घी छोड़ने लग जाएगी जब सूजी पक जाएगी अच्छे से। तो बस मीडियम लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाते रहिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो एक तरफ से ये ज़्यादा कलर ले लेगा,
इवनली कलर आए इसके लिए आपको इसे लगातार चलाना है। 6 से 7 मिनट आराम से लग जाते हैं इसको कलर लेने में। तो ये देखिए, इस तरह से अब सूजी ने कलर अपना बदलना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही सूजी अपना कलर बदलना स्टार्ट कर दे, उस टाइम पर आपको गैस की फ्लेम कम करनी है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कलर बदलना स्टार्ट होती है तो बहुत ही जल्दी ये डार्क कलर की होने लग जाती है, फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, हल्का सा कलर इसका अभी चेंज होना स्टार्ट हुआ है। और ये देखिए, इसके अंदर इस तरह से बबल्स आने लग गए हैं। इसका मतलब ये जो घी है ये सेपरेट भी हो गया है इसके अंदर से, ये देखिए। और जब आप इसे चलाएंगे तो ये थोड़ी कुरकुरी सी महसूस होगी। बस इस टाइम पर अब हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जिससे कि ड्राई फ्रूट भी इसी के अंदर बढ़िया तरीके से भुन जाएं। आप चाहो तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बादाम डाल रही हूँ मैं, चॉप किया हुआ। साथ ही मैं थोड़े से काजू डालूंगी और थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली है। इसकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको इसके अंदर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत जल्दी जलना भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो बस अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो जितनी हमने सूजी ली है उसका 3 गुना हमें पानी डालना है। आधा कप मैंने सूजी ली है तो 1.5 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा और ध्यान से पानी डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाप उठती है इसमें से। और इसको अब हम चलाएंगे। बहुत ही जल्दी ये हलवा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसका कलर थोड़ा सा लाइट रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर अगर आपको पसंद हो तो सूजी को आप थोड़ा सा और भून लें। ये देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। गैस की फ्लेम को आप तेज ना करें, लो पर ही रखें। बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। तो इसके अंदर मैं 1/2 कप से थोड़ा सा कम चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको अब हम चलाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, मेल्ट होना स्टार्ट होगी और ये हलवा वापस से लिक्विड जैसा हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे। जैसी आपको कंसिस्टेंसी पसंद हो, गाढ़ा या पतला, जैसा हलवा पसंद हो उस हिसाब से आप इसको इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मुझे इस तरह का पसंद है, ये देखिए। क्योंकि अभी इसको हम रखेंगे थोड़ी देर तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाता है। इस टाइम पर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। और ये लीजिए, तैयार है एकदम टेस्टी और मज़ेदार हलवा। तो ये हमारा प्रसाद वाला हलवा और सूखे काले चने रेडी हैं। तो ये चने और हलवे की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।